नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। आज मैं अपने टेक्नीशियन भाइयों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि DPS डायग्नोस्टिक पावर सप्लाई, या बोल सकते हैं हम डायरेक्ट DC सप्लाई मशीन बोलते हैं, इसको कैसे रन करें, इसको कैसे चलाएं, क्या फंक्शन होते हैं, और ये बेसिकली इसमें शॉर्टिंग और मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग है या शॉर्टिंग है किस तरह से पहचानें, या आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो इसमें कैसे पहचानें दोस्तों। तो देखते रहिए पूरा वीडियो और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हम बात करते हैं, ये है आपका DC सप्लाई। ये बेसिकली DC को सप्लाई करता है, डायरेक्ट करंट को डायरेक्ट सप्लाई करता है दोस्तों। ये इसका पावर बटन है, तो यहाँ से आप इसको दबा के इसको ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर कुछ आपका, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको रेगुलेटर टाइप के जो देख रहे हैं, तो इन नॉट्स को बेसिकली यहाँ से घुमा कर, तो देखिए सब पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज, तो ये बेसिकली क्या करता है कि हमें जितना भी वोल्टेज चाहिए होता है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि हमें जितना भी वोल्टेज चाहिए होता है ये उतना वोल्टेज आउटपुट देता है। तो हमें जहाँ पे भी इस वोल्टेज को लेना होता है तो इतना वोल्टेज आउटपुट चाहिए होता है। तो क्योंकि आपको पता है कि आपके मोबाइल की बैटरी में 3.7 से 4.2 तक वोल्टेज रहता है, तो हम इसको 4.2 में सेट कर देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करेंगे इसके बाजू वाला, तो ये इसको 0.1 करके फाइन करता है। मतलब अगर आपने यहाँ से देखिए एकदम से घुमाएंगे तो ये एकदम से पूरा घूम जाएगा और ये इसको 0.1 में फाइन करेगा। मतलब जस्ट इसको आप 0.4 में इस तरह से आप इसको फाइन कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद की बात करेंगे तो ये जो रेगुलेटर होता है दोस्तों की, देखिए इसमें लिखा क्या होता है, इस रेगुलेटर में यहाँ पर लिखा हुआ है 3.5 वोल्ट। कितना वोल्टेज, ये बेसिकली इनपुट के लिए, और ये बेसिकली आउटपुट के लिए होता है कि आप अपने मोबाइल में कितना आउटपुट देना चाहते हैं, और ये बेसिकली इनपुट के लिए होता है कि हमारे मोबाइल से कितना वोल्टेज या कितना करंट इस मोबाइल में आ रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पर दिखाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इसमें 0 से 15 वोल्ट इसको सिलेक्ट करना होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 0 से 15 जो बोल्ट है, इसको आपको जब भी आप मोबाइल ये DC खरीदें तो आप इसको 0 से 15 वोल्ट पे लाके इसको सेट कर दें और फिर भूल जाएं इसको, वापस इसको आपको 5-6 वोल्ट पे सिलेक्ट नहीं करना है दोस्तों। और ये इसकी बात करेंगे आखिरी वाला, तो इस पर लिखा हुआ करंट, ये बेसिकली ये सबसे मेन होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.6 एम्पियर से लिखा हुआ है 2 एम्पियर तक लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 0.6 एम्पियर से 2 एम्पियर तक लिखा हुआ है, ये मतलब 2 एम्पियर तक का करंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे जितना भी वोल्ट हम किस डिवाइस को देंगे, उस डिवाइस में जितना भी करंट होगा, पैदा होगा, वो 2 एम्पियर तक यहाँ पे दिखाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल में 1 एम्पियर के नीचे का करंट रहता है हमेशा। जो एंड्रॉयड होते हैं उसमें 30-40-50-60 तक का करंट रहता है, और जो कीपैड होते हैं उसमें आपका 10-12-15 से अंदर तक का करंट पैदा होता है, 0.0 करके उसमें करंट पैदा होता है। तो वो एम्पियर में होता है क्योंकि एम्पियर उसकी यूनिट होती है दोस्तों। तो ये बेसिकली यहाँ पर जब भी आपको आप मोबाइल अटैच करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टिंग है। यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ पे आप जितना वोल्टेज सेट कर रहे हैं ये वोल्टेज बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो हम यहाँ पर टेक्नीशियन होते हैं दोस्तों 4.4-4.5 ले लेते हैं, जो कि गलत है। कई टेक्नीशियन को मैंने देखा हुआ है कि वो 3.5 में चलाते हैं दोस्तों, वो भी गलत है। आपको इसको 4.2 में सिलेक्ट करना है दोस्तों, और ध्यान रखें 4.2 में ये 4.21 इस तरह से रिफ्लेक्ट ना करे। तो इसके लिए आप इसको बाजू से फाइंड करके इसको 4.2 में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे नीचे देखेंगे, यहाँ से इसको बंद कर दिया, यहाँ से इसको चालू कर दिया, ये इसकी पावर की हो गई। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर अगर इसके देखिए टर्मिनल की बात करें, तो यहाँ पर एक प्लस है जहाँ पे प्लस दिया हुआ है रेड कलर का, और ये इसका माइनस है जहाँ पे आपको माइनस लगाना है। तो यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस लिखा होगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। बीच का पॉइंट मोबाइल के लिए यूज नहीं होता है दोस्तों, बेसिकली होता BSI के लिए, पर इसके लिए यूज नहीं होता। हमें मोबाइल फोन में सिर्फ इन दो की जरूरत होती है। अगर हम इसके आउटपुट की बात करेंगे तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि इतने सारे इसमें वायर दिए होते हैं, जो आपको मेन वायर की जरूरत होती है वो ये 2 वायर होते हैं और ये 2 ब्लैक, ये दोनों होते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कोकोडाइल वायर होते हैं, ये बेसिकली आपके जो मोबाइल बैटरी के कनेक्टर होते हैं उनको आप रखने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। जब भी आपको अगर बिना बैटरी के मोबाइल चालू करना है तो प्लस में प्लस लगाते हैं, माइनस में माइनस लगाते हैं, और यहाँ से 4.2 वोल्टेज को देते हैं दोस्तों। तो यहां से बेसिकली 4.2 वोल्टेज को देते हैं। तो देखिए मैं यहां से 4.2 वोल्टेज को सिलेक्ट कर लेता हूं,
ये सिलेक्ट हो गया। और अगर आपको चेक करना है कि आपका ये बिल्कुल सही है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप अपने प्लस माइनस को चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको टच करेंगे तो सॉर्टिंग हो जाएगी और ये दोनों जीरो हो जाएंगे, मतलब ये आपका डीपीएस बिल्कुल सही है। अब इसको एक बार फिर से बंद करके फिर से चालू कर लें तो ये बिल्कुल अपने एग्जैक्ट पोजिशन पर वापस आ जाता है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी वही काम करता है जो ये दोनों काम करते हैं, पर इन दोनों के टर्मिनल अलग हैं। ये एंड्रॉयड में जहाँ पर छोटे छोटे आपके कनेक्टर ये रहता है, बैटरी कनेक्टर, उसमें आपको होल्ड करने के लिए इसमें काम में आता है दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले मोबाइल ऑन कैसे किया जाता है इसे, तो देखिए एक मेरे पास एक लावा का मोबाइल है, इसमें बैटरी नहीं है, इसको मैं कैसे ऑन करूंगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले प्लस माइनस को प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में लगा लूंगा दोस्तों। ये प्लस ने यहां प्लस में लगा दिया है और ये माइनस का मैंने यहां माइनस में लगाऊंगा दोस्तों, ब्लैक वाला। ये बेसिकली मैं माइनस में लगा दिया है और प्लस का प्लस में लगा दिया है। आप देख रहे हैं ये दोनों लगाने के बाद में एम्पियर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है। इस मोबाइल में ना कोई शॉर्टिंग है, ना कोई हाफ शॉर्टिंग है, किसी प्रकार की ना सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। अगर ये मोबाइल चालू नहीं हुआ तो इसमें ये हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों बस। तो इसको हम चालू करके देखेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए यहां से मैंने जैसे इसको चालू किया, देखिए यहां पे एम्पियर बढ़ गया, फोन मेरा चालू हो गया और ये मुझे 30 एम्पियर तक ले आया। मतलब अगर इस मोबाइल को चालू नहीं होना, अगर ये मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, अगर ये चालू नहीं होता तो ये करंट पैदा नहीं करता। और जैसे इसमें करंट पैदा हुआ है, ये 24 करंट तक ले आया है, ये बेसिकली फ्लक्चुएट करता है दोस्तों। तो जैसे ये पूरा चालू होगा ये मोबाइल फोन फ्लक्चुएट करता रहेगा 30-20 इस तरह से। तो ये मोबाइल आपका बिल्कुल सही है। और ये मोबाइल इस टेक्नीशियन को दोस्तों हमें ना जब काम करना होता है तो हमें इस तरह की पीसीबी में काम करना होता है, बार बार हम बैटरी लगा नहीं सकते हैं। तो आपको यही करना है कि आप इस डीपीएस से इसको कनेक्ट करेंगे और इसको चालू करके देखेंगे कि आपने जो काम किया है वो सही काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बेसिकली आपका फोन चालू हो चुका है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग कैसे पता करें। लीजिए दोस्तों कि शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग कैसे पता करेंगे। मेरे पास दो ये पीसीबी है, एक फुल शॉर्ट है और एक हाफ शॉर्ट है, क्योंकि मैंने ओके वाला मैंने आपको बता दिया है, ओके में कोई भी एम्पियर नहीं आया है, ओके में कोई भी रीडिंग नहीं आती है दोस्तों। और यहाँ पे एग्जैक्टली ये 0.4 0.2 सेम रहता है, ये भी जीरो नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले एक मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको कि अगर शॉर्टिंग और डी शॉर्टिंग में कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक मैं प्लस में लगा देता हूँ और एक माइनस में ये लगा देता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे लगाने पर ये जीरो हो गया है, इसका मतलब ये फुल शॉर्ट है मोबाइल। हो सकता है मैंने प्लस मैंने गलत लगाया हो, तो मैं इसको एक बार पलटा के लगाऊंगा दोस्तों। और अगर यहां आने पर भी ये जीरो आ जाता है तो मतलब देख लीजिए ये पीसीबी मतलब फुल शॉर्ट है, इसमें फुल शॉर्टिंग है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसमें फुल शॉर्टिंग है दोस्तों। तो ये पूरा फुल शॉर्ट है मोबाइल। तो ये तो हो गई आपकी फुल शॉर्ट की, और ओके वाला मैंने बता दिया था। अब देखिए हाफ शॉर्टिंग पता करने का कैसा तरीका होता है दोस्तों। तो यही एक और सेम पीसीबी है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इस मोबाइल फोन में यही चीज लगाई थी तो यहाँ पर आपको कोई भी रीडिंग शो नहीं हुई थी, जब तक आप इसको पावर ऑन ना करें। जब तक पावर ऑन नहीं होता है तब तक कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल सही मोबाइल होता है। अगर बिना पावर ऑन किए हुए अगर करंट में रीडिंग दिखाएगा मतलब वो हाफ शॉर्टिंग है मोबाइल। वो चालू तो होगा पर वो मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग है, वो बैटरी बहुत जल्दी उतारेगा आपकी। तो देख लीजिए ये बिल्कुल सही पोजिशन में अपने, तो मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ दोस्तों। तो ये हो सकता है उल्टा लगा लिया हो, जैसे कि फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। प्लस माइनस को आप चेक करके मल्टीमीटर से अच्छे से लगाएं दोस्तों। और कैसे चेक करते हैं अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स पे लिखे, मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए दोस्तों बिना पावर ऑन किए हुए ये मोबाइल फोन में कितना आपका एम्पियर रीडिंग आ गई है, 0.73, क्योंकि ये कीपैड का मोबाइल है, एंड्रॉयड भी नहीं है, इतनी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि कीपैड के मोबाइल में 15 से 20 तक रीडिंग आती है उसके अंदर तक, और अगर एंड्रॉयड है तो वो 50-60-70 तक आ सकती है। पर ये मोबाइल में बेसिकली हाफ शॉर्टिंग है दोस्तों। अगर मैं इसको अच्छे से छूंगा तो मुझे यहां पर गर्म, अगर क्योंकि हाफ शॉर्टिंग है तो हाफ शॉर्टिंग कैसे पता करें, अगर मैं यहां कहीं छूंगा तो मुझे गर्मी मिलेगी। तो ये आईसी जो है बेसिकली दोस्तों, ये आईसी आपकी गर्म हो रही है, बहुत तेज गर्म हो रही है। मतलब मैंने बिना पावर ऑन किए जैसे इसको करंट दिया, ये शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से डायरेक्ट करंट ले रही है। मतलब ये मोबाइल फोन ऑन तो होगा पर आपका जो बैटरी है वो जो आपका वोल्टेज बैटरी बैकअप है वो 5-10 मिनट पर ही चलाएगा और उसके बाद उसको ड्रेन कर देगा। तो ये हो गया आपका हाफ शॉर्ट मोबाइल दोस्तों। और बेसिकली इसमें मैंने आपको शॉर्टिंग बता दी है, हाफ शॉर्टिंग बता दी है, और मोबाइल फोन कैसे ऑन होता है ये बता दिया है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर।